Thank you.
एकत्रीकरण में अनिल कुलाल व श्री राजेश कुठन गेट नंबर एक व जो फर्स्ट हमारा गेट है माता के दर्शन करवा रहा हूँ मंगल माता से, आपको ये दर्शन करवा रहा हूँ मंगल माता के मेन पुजारी जी आ गए हैं, आप ये दरबार खोलने लगे हैं, माथा टेकने हैं यहाँ पे और श्रद्धालुओं का तंबला लगा हुआ है और ये मेन पुजारी जी हैं इस मंदिर के। आप लोगों को दर्शन करनी है ये मंदिर खोल दिया जाएगा क्योंकि आज के टाइम 7:30-8 बजे के बाद ही हुई थी तो टाइम हर चीज निकालते हैं। और कल यहाँ पे एक हवन है मंगल माता में, अभी इस वक्त मैं ये दृश्य दिखा रहा हूँ, ये मंगल माता वहाँ से मंगल माता के मंदिर आप घर बैठे दर्शन कीजिए। और ये वो पुराना स्थान है जिस जगह माता का ये सामने लिखा हुआ है गर्भ गुफा। जय माता, जय माता। अपनी सेवाएं पंक्ति में पुराने देते हैं। जयकाराम इंदल वाली दा और सांचे दरबार की जय। जयकाराम जेल वाली दा और सांचे दरबार की जय। जयकाराम पावी वाली दा और सांचे दरबार की जय। Thank you.
बेलचे भी सही देना खैरे भी देना तो हम बिजले भी देना जय मिंदल माता की। दोस्तों सुबह का टाइम है, शायद 9 बजे के आसपास का टाइम होगा। इस वक्त हम दर्शन करके मिंदल माता से, वो सामने आपको मिंदल माता का मंदिर दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये आप घर बैठे माता के दर्शन कीजिए मंदिर के, और अब वापसी की तैयारी है। और मैं तो नीचे आ गया हूँ, मेरा सहयोगी देखता हूँ अब इस बर्फ को कैसे क्रॉस करता है। मुझे तो बोल रहा था उठा के लेके चलो कि भाई मैं यहाँ से क्रॉस नहीं होऊंगा, तो मैंने कहा भाई मैं उठा लेता हूँ। कहते नहीं चल जाऊंगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, मगर ये मेरा एक हार्डकोर राइडर समझ लीजिए, ट्रैवलर समझ लीजिए, इस स्नो पे चप्पल के साथ उतर रहा है। लोग यहाँ स्नो शूज यूज करते हैं और ये चप्पल के साथ यहाँ से उतरते हुए आधा रास्ता तो अभी तक तो कर लिया है इन्होंने क्रॉस। अब देखता हूँ गिरते कहाँ कहाँ पे हैं, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि कल को ये बोलेंगे नहीं जी हाँ अब इनके लिए मुश्किल है, यहाँ पे कम से कम भी 2-2.5 फीट की ये क्रॉसिंग होगी। अब सोच रहे हैं यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई कहाँ से निकलना है। अब यहाँ पे गिरे तो ये सही फोटो बनेगी, अब देखता हूँ कितना दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। ये देखिए मेरे राइडर ने हेल्प ले ली है, मैंने बोला था अकेले आने के लिए मगर इन्होंने हेल्प ले ली है। चलो कोई बात नहीं, हर जगह कोई ना कोई तिकड़म तो लगाना होता है कि यार कैसे क्रॉस करना उस जगह को। मगर सबसे अच्छी बात है देखिए चप्पल में है इस आइस पे, और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने इनको बताया था टेढ़ा पांव रखो उससे कुछ नहीं होगा, चल रहे हैं उसी एंगल में, एक पांव टेढ़ा एक पांव सीधा, और बैग छोड़ दिया इन्होंने पीछे, तो कोई बात नहीं अब देखता हूँ ले आऊँगा बैग में नीचे। मगर ये आहिस्ता आहिस्ता एक पांव इन्होंने भी टेढ़ा रखा है। दोस्तों यही ट्रिक होता है बर्फ पे चलने का, बिल्कुल आगे स्ट्रेट पांव नहीं रखना होता क्योंकि आप उससे स्किड हो सकते हो। अगर आप एक पांव सीधा और एक पांव टेढ़ा रखेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, बड़े आराम से, और जब तक एक पांव की ग्रिप ना बने तब तक दूसरा पांव मत उठाइए। अभी तक तो बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, सोचा था कि शायद कोई शॉट मिल जाएगा गिरने का, मगर लग नहीं रहा कि अब थोड़ा सा ये दिमाग के साथ चल रहे हैं। जिस जगह इन्होंने गलती की वहीं पे ये वही धड़म, उसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि धड़म का मतलब क्या होता है, नीचे गिरना। मगर बड़े अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप और बैलेंस, हाथों से अपना बैलेंस करते हुए, स्टीप है ये उतराई है इसमें आप ये नया आधा तो क्रॉस कर लिया, अभी गिरना तो आगे है इसलिए आना, ये हाथ हिला रहे हैं, आधे से ज़्यादा कवर कर चुके हैं। देखता हूँ और ये फुल वीडियो करूँगा क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब यहाँ पे अपना टाइम किल कर रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ से 2 रास्ते हैं, दिमाग लगाया कि किस रास्ते से जाऊँ, बहुत बढ़िया। ये देखिए इन्होंने दोबारा पोजीशन चेंज कर लिया क्योंकि ये बर्फ पे चलने का सही तरीका है विदाउट शूज। यहाँ से भी ठीक था मगर वापस जाके मैं तो इसी रास्ते से जाऊँगा, आया भी इसी रास्ते से था, जाऊँगा भी इसी रास्ते से। अब वो बाकी लोग जा रहे थे इसलिए इन्होंने सोचा कि उस रास्ते से, मगर ये रास्ता थोड़ा सा इजी था, आगे वाली में ज़्यादा स्टीप है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए देखता हूँ कुछ नया शॉट्स मिलता है या नहीं।
और लोग आते हुए आज भी। कल यहाँ पे मेन जो है हवन है वो कल 4 तारीख को है, और 4 तारीख को कल असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स भी हैं, देखो क्या होता है। तो कल तो लोग उसमें भी बिजी रहेंगे, मगर अगर आप धार्मिक तीर्थ स्थल पे आए हो तो आपको इन चीज़ों को भी याद रखना चाहिए कि हमें अपने देवी देवताओं को याद करते रहना चाहिए, इनको भूलना नहीं चाहिए। तो ये बाकी लोग भी आते हुए, ये जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं ये अभी पहुंचे हैं, ये आ रहे हैं यहाँ से, और हम वापस नीचे की तरफ जाते हुए। जय माता दी। और ये लोग मंदिर की तरफ जाते हुए, और मेरा राइडर वो नीचे येलो ड्रेस में खड़ा हो गया, देख रहा है कहाँ से निकलूं। और अब छोटा सा स्टैचू रह गया, वो सामने हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते हुए। ये एक स्ट्रेच है, ये फुल वीडियो है, आपने देख ही लिया होगा कि कितने टाइम में आप इस आइस को क्रॉस कर सकते हो। आप बिल्कुल आराम से जाइए, जल्दबाजी कोई नहीं। जिस जगह आपने जल्दी की या गलती की तो वहीं पे आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और लास्ट में अब सोच रहे हैं यहाँ से ये हाथ की हेल्प लेते हुए, ये हाथ से यहाँ हेल्प, यहाँ पे हेल्प ले ली है इन्होंने, क्योंकि वहाँ स्टेप होगा बीच में, इसलिए। और इन्होंने ये स्ट्रेच कम से कम भी कोई मेरे आइडिया से 50, 150 या 200 मीटर के बीच बीच का ये स्ट्रेच है, आइस स्ट्रेच है। और इस दफ़ा काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, नहीं तो कई दफ़ा आया था तो यहाँ पे नीचे पत्थर से निकलना पड़ता, मगर इस दफ़ा काफ़ी बर्फ़ है, क्योंकि इस साल काफ़ी स्नोफॉल हुआ है और मौसम भी इतना गर्म नहीं हो पाया कि जिसके कारण ये बर्फ़ मेल्ट हो सके। तो मेरा राइडर तो नीचे पहुंच ही गया, देखता हूँ क्या पता जल्दी कर दे, इसीलिए ऑन रखा कि क्या ये सही सलामत चप्पल के साथ इस स्नो ट्रैक को क्रॉस कर पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों इन्होंने ट्रैक अपना कंप्लीट कर लिया, और ये यहाँ का दृश्य है, एक जिस जगह गाड़ियों की पार्किंग होती है ये पार्किंग है, और ये यहाँ से एक ग्लेशियर है, स्नो ग्लेशियर है, इसको हम क्रॉस करते हुए, और इस तरफ से ये लोग अभी ऊपर कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और ये सामने ऊपर माता का मंदिर। जय माता दी।